हालेलुया काफी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ना तो इन सभी चीजें आपका भाग्य पलट देगा, मगर संपूर्ण हृदय से ईश्वर को खोजने वाले का भाग्य ईश्वर पलट देगा। इसे समर्पण का एक समय है। कई लोग किसी का फोटो लेकर घूमता होगा, वो उनके लिए क्या है, बाधा बन रहे हैं ईश्वर के पास जाने का, ईश्वर आपके पास आने का। गलत रिश्ताओं में फंस जाते हैं और उसके कारण जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ किया, आप इतने दुखी होकर घूमते हैं। आज प्रभु के हवाले करना है उन चीजों को, उन व्यक्तियों को जो आपको जरूरत नहीं है, वो आप ईश्वर के हवाले कर दो। किसी का मतलब कोई नशे शराब की बात होगा, कोई शराब के बोतल लेकर आया होगा, क्या पता है, कोई नशे की चीजें लेकर आए होंगे, कोई दवाई लेकर आए होंगे, कोई मरने के लिए सोचकर कुछ चीज लेकर घूमते होंगे, कई चीजें हैं। कोई पर्स में कुछ रखते हैं, कोई लॉकेट रखते हैं, कोई चीज ऐसे वैसे रखते हैं, किसी ने कुछ दिया है वो आपके लिए प्रेशियस लगता है लेकिन आपको बर्बाद कर रहा है। यीशु आपके लिए काफी है, बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कई ऐसे चीजें हैं लेकर चलते हैं अपने साथ। कुछ लोगों के लिए मौका है, बाल्टी इधर रहेगा, शायद कुछ लोगों का बाइक में होगा, बस्ते में होगा, वो लेकर आने का वक्त है। अभी भाई रोल्फिन हमारे लिए गीत गाएंगे, समर्पण का समय है, तो ये समय पर हम अपने आप को प्रभु के हवाले करने का है। आप बाकी सारे अपने आँखों को बंद कर सकते हैं, जिनके पास ऐसे मैंने जैसे कहा है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, हमेशा के लिए त्यागना चाहता है, क्योंकि उसको रखते हुए हम कुछ नहीं कर सकता। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं सफीरा और अननियास के बारे। अपने जमीन बेचकर उन्होंने आधा हिस्सा पैतरुस के पास लेकर आया, लेकिन आधा अपने पास रखा। उनका अधूरा समर्पण के वजह से वो दोनों मौके पर गिरते और मर जाते हैं। आप यहाँ पर बैठ के आधा समर्पण ना कीजिए, संपूर्ण समर्पण, क्योंकि ये समर्पण का समय है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी पलटने का वक्त है। अपने आदतों को, गंदी आदतों को, गलत विचारों को, भावनाओं को, सोच को समर्पण करने का समय है। बाकी सभी जितना हो सके घुटने टेके सभी, और जिनके पास ऐसे कुछ चीज़ें हैं आप इस वक्त उस चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, किसी का भी परवाह ना करो। वे लोग उठेंगे और आराम से आकर इस गीत के समय प्रभु के सामने घुटना ठेकेगा, उसके बाद इस बाल्टी में वो चीज़ छोड़ कर जाएगा, चाहे कोई ताबीज़ है, कोई लॉकेट है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो यीशु के लिए उचित नहीं है, जो प्रभु को नहीं चाहिए, ऐसे चीज़ों को प्रभु के लिए त्यागो, अपने आप को उसके हवाले कर दो और जीवन में बताते रहें, प्रभु मैं तेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ, तेरी बातें मुझे प्रिय लगते हैं, इसलिए मैं अपने आप को आपके हवाले कर देता हूँ। जिन जिन बच्चों को मन करता है कि मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ, आपका रिश्ता अगर गलत रिश्ता है, गलत रिश्ते को छोड़ो। किसी का फोटो लेकर रखा है, अगर वो व्यक्ति आपको यीशु से अलग कर रहा है, आपको दूर कर रहा है, कलीसिया से दूर कर रहा है, प्रार्थना से दूर कर रहा है, वचन से दूर कर रहा है, उस व्यक्ति को ही दूर करना अच्छा है। समर्पित करो प्रभु के हाथों में। इसलिए इस वक्त जो भी आपके पास ऐसी चीज़ है वो ईश्वर को देते रहिए। इस गीत के समय आप इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने जगह से उठकर आएंगे और जो चीज़ यहाँ पर इस बाल्टियों में डालना चाहते हैं प्रभु के सामने पहला घुटना टेकेगा और उस चीज़ को इस बाल्टी में डालकर अपने जगह पर जाके समर्पण करते रहें। बीड़ी हो, सिगरेट हो, नशे की कोई चीज़ है, वो सब इस वक्त इस बाल्टी में हम डालेंगे प्रभु के सामने। या अभी आपके पास नहीं है तो लेकर आएगा और इस बाल्टी में डालेगा, वादा करो। अगर आपके घर पे रख के आए, यहाँ से जाकर सबसे पहले प्रभु के हाथों में उन चीजों को दे, वादा करो।
सीने से लगा। Yeah।
विफलताओं को, अपने फेलियर को, अपने गुस्से को, नफरत को, ईर्ष्या को, वासनाओं को, पाप की अवस्था को समर्पित करते जाए, अच्छाई और बुराई को समर्पित करते जाए। आपके अंदर व्यभिचार की बातें हैं, प्रभु को समर्पित करते जाए। आपके अंदर जो असफलताएं हैं, प्रभु को समर्पित करते जाए। कोई भी धागा बंधा है पैरों में, कमर में, हाथों में, बाजुओं में, निकालिए और प्रभु के सामने रखिए। कोई अंगूठी पहना है जो ईश्वर की तरफ से नहीं है, वो निकाल कर प्रभु के सामने रखिए। कोई ताबीज हो, कोई भी ऐसी चीजें हो जो ईश्वर की तरफ से नहीं है, और प्रभु के सामने उसके हवाले कर दे, अपने पास ना रखिए। ईमानदारी दिखाइए, अभी भी कुछ लोग अपने आप को इन चीज़ों से मुक्त नहीं पाया है। कई लोग सोचते हैं ये कैसे मैं निकालूं, पर आप एक बार प्रभु के सामने अपने आप को झुको, छोटा बनो, प्रभु आपका संरक्षण करेगा। कुछ लोग बोलते हैं उस दर्द से बचने के लिए, इस दर्द से बचने के लिए यीशु आपके दर्द को मिटाने वाला है। बोले आमीन, हालेलुया। हम आज ईश्वर को अपना राजा मानेंगे, बोलिए आमीन। आज मेरे जीवन में केवल यीशु शासन करेगा, बोलिए आमीन। आमीन, किसी और की शक्ति नहीं, आमीन। आमीन, आज मेरे जीवन में केवल यीशु को अधिकार होगा, आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी भी कोई आगे नहीं आए, अपने हाथ में और बाइक में या कहीं भी कुछ चीज़ें अगर दिया नहीं, वो देने का वक्त है। आगे भी आपको मन करता है, अगर आपके बाइक में है, आपके किसी भी जगह पर है, घर पे भी रखा है, उसको भी निकालने का वक्त है। और केवल प्रभु को अपना सब कुछ मानो, इसी वक्त हाथों को खुले रखिए, हथेलियों को खुले रखिए, प्रभु को देखिए और अपने आप को समर्पित करें। हाँ प्रभु जी, आपसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मैं अपना जीवन आपको दे देता हूँ। प्रभु मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके अलावा किसी और को अभी जीवन में जगह नहीं दूंगा, स्थान नहीं दूंगा। मैं अपने आप को प्रभु कई चीज़ों के ऊपर अपने आप को छोड़ा है। मैं दुखी होता गया प्रभु, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से आराम मिलेगा। मैं इधर उधर भटकता रहा, मैं तेरे पास आने से प्रभु हमेशा दूरी बनाता रहा। आज मैं तेरे पास आया, मेरा संपूर्ण जीवन मैं आपको दे देता हूँ। मेरे लिए तेरे सिवा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए इधर उधर ना देखिए, आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, एक बंधन बन गया है, यीशु के पास जाने से आपको रोकता है, उस व्यक्ति को हो या उस चीज को हो, संपूर्ण रूप से समर्पित करें। इसके लिए देरी मत कीजिए, निर्णय ले लीजिए और यीशु को मौका दीजिए। गिव ए चांस टू जीसस इन योर लाइफ विल चेंज। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
से तेरे हाथों में समर्पित है। गाते रहिए, मेरा जीवन समर्पित है यीशु तेरे हाथों में, यीशु तेरे हाथों में समर्पित है। मेरे दुखों को दे देता हूँ, मेरे कष्टों को चढ़ाता हूँ, मेरे दुखों को दे देता हूँ, मेरे कष्टों को चढ़ाता हूँ, मेरा जीवन समर्पित है। Yes, Lord. से बोलिए, मेरा जीवन समर्पित है, सब कुछ देते हुए तेरे हाथों में समर्पित है। जब उस बालक ने 5 रोटी और 2 मछली यीशु के हाथों में दिया, शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा ये मेरे 5 रोटी और 2 मछली से क्या होगा इतने सारे भीड़ के लिए। लेकिन जब यीशु ने उस रोटी और मछली को लेकर धन्यवाद की, प्रार्थना की, रोटी तोड़ा और जब प्रेरितों को दिया, उसने जब लोगों में बांटा, वे सब के सब खाकर तृप्त हो गए। हजारों में हजार वो खाकर तृप्त हो गए केवल 5 रोटी और 2 मछली से। अब इसी वक्त हम भी अपना जीवन, चाहे वो जितने छोटा हो, जितना नगण्य हो, किसी काम का नहीं हो, यीशु के हाथों में दे। मेरा जीवन समर्पित है, दे दिए प्रभु के हाथों में, तेरे हाथों में समर्पित है। मेरा जीवन है, अपने आप को पूर्ण उसका हवाले कर देंगे। दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठा, मेरा जीवन समर्पित है, तेरे हाथों में समर्पित है। एक बार सोच लीजिए, मेरा हाथ अभी पिता के हाथों में है, यीशु के हाथों में है। जीसस, तेरे हाथों में है। मेरे दुखों को दे देता हूँ, मेरे कष्टों को चढ़ाता हूँ, बोलिए, मेरे दुखों को दे देता हूँ, ओ जीसस, मेरे कष्टों को चढ़ाता हूँ, मेरा जीवन समर्पित है। सारे मिलकर, तेरे हाथों में समर्पित है। आप जब यहाँ से जाएगा, आपके पास कुछ ना रखिए, कुछ भी बाकी नहीं होना चाहिए, आप संपूर्ण उससे आपको दे दीजिए। इस केवल इस 5 दिन के लिए नहीं, मेरा सारा जीवन, संपूर्ण जीवन, मेरा सब कुछ, मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान, मेरा भूत, मेरा पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, मेरे साथ जो भी बीता है, मैं आपको दे देता हूं प्रभु। मैं अक्सर सोचता हूं मैं टूट चुका हूं, मैं किसी काम का नहीं रह गया, मैं प्रभु बड़े बड़े पाप में गिर चुका हूं, प्रभु जी मैं आपके पास आने का योग्य नहीं हूं, पर प्रभु आपने समारी स्त्री को बचाया, पापनी स्त्री को बचाया, मरियम मगदलिनी को बचाया, जकेउस को बचाया, मत्ती को बचाया, पेत्रुस को बचाया, पौलुस को बचाया, आपने किसको नहीं बचाया प्रभु। जो लोग आपके हवाले में अपने जीवन को दे दिया है प्रभु जी, उस पापनी औरत के समान में भी आपके पाँव को, अपने आंसुओं को प्रभु धोना चाहता हूँ, उसको पोछना चाहता हूँ,
प्रभु अपना जीवन आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे लिए जीना और मरना आप ही है प्रभु। मेरे पापों को दे देता हूँ, मेरे रोगों को चढ़ाता हूँ, मेरे पापों को दे देता हूँ, मेरे रोगों को चढ़ाता हूँ, मेरा जीवन समर्पित है है। दिल से बोलिए, मेरा जीवन समर्पित है, सब कुछ देते हुए बोलिए, तेरे हाथों में समर्पित है। हालेलुया 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 ओ हालेलुया, समर्पित करते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 संगत को दे देता हूँ, इस साधना को दे देता हूँ, इस आश्रम को दे देता हूँ, हमारे जीवन को दे देता हूँ, या आगे सभी वस्तुओं को दे देता हूँ। आप इस पर अधिकार लीजिए, संचालन कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऊंचे स्वर में प्रभु की स्तुति करते हुए अपने आप को दे दे। हालेलुया 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 हम घुटने टेके और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें, संपूर्ण उसे समर्पित करें। हो सके शीश झुका के जमीन तक अपने आप को छोटा करते हुए, विनम्र बनते हुए प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। संपूर्ण उसे आपके जीवन दे दे, आपका शरीर को दे, आपके मन को दे, सोच को दे, विचारों को दे, दुखों को दे, आंसुओं को दे, परिवार को दे, प्रियजनों को दे, आपका सिचुएशन को दे, इंस्टीट्यूशन को दे, कलीसिया को दे, चर्च को दे, जहां कहीं भी आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, आपका नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रहा, चाहे जितने भी आपका सिचुएशंस हैं, जहां से आप पीड़ित हो, दुखी हो, यीशु के हवाले कर दे। प्रभु को कहे, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देता हूँ। आज से आप मेरे जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में, मेरा चरवाहा है, मैं आज आपके भेड़ हूं, आप मेरा गडेरिया है, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। इस वक्त प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। Hallelujah, 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 hallelujah,